आदमी ब्याह शादी में गणा ही नाचे, कोई लेना कोई देना, कैसा गंदा गंदा गाना लगावे, टकना खोल दे, गंडकड़ो खा जाएगा, बिट्टू जेल करा देगी। कितने गंदे गाने लगाते हैं, फिर पूरे घरवाले नाचते हैं, सास ससुरा देवर जेठ जेठानी कुत्ता नाचे, हर रिबा फेंक रिया, पगा में जा रिया पैसा पूरा, लक्ष्मी को अपमान कर दिया, सुबह बेटो पंडित जी जा रही हो, 15 लाख खर्चो लगाए, 15 लाख लगाया सुबह, फोटो धन्यवाद, फोटो तो लिया, लेकिन ओम बिगड़ना बनना पड़ेगा आपको, बनोगे पगा? सप्ते में एक बार गौशाला जाना, क्या करोगे? क्या बात है, बाबू जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार है आपके माता पिता के दिए हुए, कि बड़े लोगों ने लिखा है कि जिन खेतों में बरसात नहीं होती बाकी फसलें खराब हो जाती है, जिन घरों में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती है, जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है। अपने बच्चों को संस्कार दें, धन्यवाद आपके पेरेंट्स को, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है जो गौ माता से प्रेम रखते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। यही तो संस्कार है साहब, आने वाले 10 सालों के बाद में पता चलेगा आपको, अभी ये गौ माता की जागरण है, 10 सालों के बाद में क्या मैं रहूं ना रहूं, दूसरे कोई जागरण दे या नहीं दे उनकी इच्छा है, लेकिन जो बोल रहा हूं ये यूट्यूब पर अमर रहेंगे। घर घर से रोटी लाते हैं जी, आने वाले 2 महीनों के बाद में ये घर घर से रोटी मांगते हैं, अभी कर देंगे सॉरी बेटो, आने वाले 2-3 महीनों के बाद में मेरी फिल्म आ रही है, राजस्थानी फिल्म, जिसका नाम है एक रोटी का कर्ज, जिसका एक्टर मैं हूं, एक रोटी का कर्ज, उसको आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि हकीकत में रोटी क्या, एक रोटी जो घर में बचती उसका कर्ज कितना बड़ा होता है। 3.5 घंटों की फिल्म है और बहुत दुनिया देख के उस फिल्म को मैंने बनाई है, और बनाते बनाते अभी 2 साल हो गए, अभी पूरी नहीं हुई है, इसे एक एक शब्द उसमें जोड़ के डालें, ताकि आने वाले मेरे छोटे छोटे भाई मेरी छोटी छोटी बहनें ओम डिगना रहे ना रहे, जो बोल रहा हूँ उनके शब्द वो घर घर में अमर हो जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है बस। और आने वाले 7 जुलाई में विदेश जा रहा हूँ, गौ माता की एक शाम गौ माता की जागरण है मस्कट में, ओमान में, बहुत विशाल भजन संध्या है विदेश में, वहां से जो भी पैसा आएगा टोटल राजस्थान की गरीब गौशालों में बांटा जाएगा, जहां एक मौत का भी चारा नहीं है, उस गौ माता के वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक एक टेम का चारा नहीं है, हर गौशाला तक वो पैसा जाएगा, एक शाम गौ माता के नाम मस्कट ओमान में। बोले गौ माता की, वहां सब अपने राजस्थानी भाई हैं, और उन्होंने विचार किया कि राजस्थान में तो सब जागरण करावे, एक बार विदेश में ओम जी को बुलाया जाए, गौ माता का जागरण दिया जाए, ताकि विदेश से जो भी काला धन पड़ा है सब बोर किया। नाराज मत होना, अपने गौ माता का जागरण है, यदि मान सम्मान नहीं भी हुआ है, मैंने आपका नाम नहीं भी बोला है, यदि बोल दिया हूं तो आपका नाम मेरे होठों पर रहेगा, यदि आपका नाम मैंने बोला है तो आपका नाम मेरे होठों पर रहेगा, नहीं बोला तो यह मान के जाना कि आपका नाम मेरे हृदय में रहेगा। नाराज मत होना कि ओम डिगना ने मेरी राशि नहीं बोली, मुझे बुलाया नहीं, मान सम्मान नहीं दिया। गौ माता का प्रांगण है, किसी का जल्दी हो गया, किसी का नहीं भी हुआ, तो उनसे मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, नाराज होकर मत जाना, यहां गौ माता का जागरण किसी का पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है। अगली बार यदि 4-6 महीने बाद में अच्छी फसल होगी, अच्छे लाटे खड़े आएंगे अपने, तो 6-7 महीने बाद में एक कार्यक्रम और रख लेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ, अब की बार मौसम देख के एक कार्यक्रम और रख लेंगे, और राशि आएगी ऐसे। और यहाँ तमाम गौ भक्तों के, जैसे पता चला ट्यूबवेल और कुएं हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है, आप पैसे भी दिए हैं, आपसे मैं निवेदन भी करता हूँ, एक एक दो दो ट्रॉली चारा गौशाला तक पहुंचाएं, क्योंकि चारे की कीमत बहुत बढ़ गई है, जैसा सरकार का आदेश आया है चारे की कीमत डबल हो गई है, और मुझे भी जैसे पता चला कि अब चारा मैं ज्यादातर स्टॉक करवा रहा हूं हर गौशाला में, ताकि हमें 12 महीने तक इन पैसों से कुछ नहीं होगा, चारा होगा तो ये पैसे आराम से 12 महीने तक चलेगा, थोड़ा चारे की व्यवस्था करा, सबके पास कुएं हैं ट्यूबवेल है, तो आप एक दो ट्रोली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बचता आपके पास एक दो ट्रोली लाके आप यहाँ खाली करें, गौशाला में अपना नाम लिखवाएं, आने वाली भजन संध्या में आपका नाम बोला जाएगा जो चारा भेंट करेंगे, आपका मान सम्मान सबसे पहले आपका होगा। अब चारा स्टोर करना, हर गौशाला में चारा स्टोर करना, ताकि चारे की बहुत ज्यादा किल्लत है, बाहर से चारा आना बंद हो गया, बाहर के राज्यों ने चारा देना बंद कर दिया, इसलिए जो राजस्थान का चारा है वही वो काम चल रहा है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ट्यूबवेल वाले कुएं वाले आपसे भगवान से यही कामना करता हूं, आपकी एक ट्यूबवेल की जगह 5 ट्यूबवेल हो, एक कुएं की जगह 50 कुएं को मालिक बना, और खूब सारी नेपे उपजाए, आप एक ही दो ट्रोली वहां पहुंचा देना गौशाला पर। मेरी बात अच्छी लगी आपको? लगी है ना? क्यों नहीं लगी?
क्योंकि कोरोना के अंदर धान भी तो स्टोर करियो बचाने खाऊ है। बोले कोरोना कितो ही बढ़ सके, थोड़ा अनाज इकट्ठो कर लियो करियो ना, तो गौ माता के लिए चारों भी आपने स्टोर करना। विनोद जी भरदान सर 5100 रुपया, गज्जू जी 5100 रुपया, मांगीलाल जी डांगी 11000 रुपया, ओम जी व्यास 5100 रुपया, सुमी जी विजयनगर 2100 रुपया, आर एम के फाइनेंस चिंगवा 5100 रुपया, डाल जी स्वामी 5100 रुपया, हंसराज जी सरदार सर 5100 रुपया, कुलदीप बना सरदार सर 2100 रुपया और गजल जी 1100 रुपया। गौ माता के बैठ, बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। एक भजन में बाबा राम साहब पीर के चरणा में गा रही हूँ, बाबे की कृपा है और मैंने बाबे को दिल से याद किया बाबा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब गा देंगे सुगना भाई का और मीरा भाई का जो आप सुनोगे। मैं तो इतनी खुशी हो रही है कि इतनी बरसात में भी आप खड़े हो, नहीं बैठने की आदत नहीं मेरी, मैं उसी दिन बैठूंगा जिस दिन मेरी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। बैठ जाओ, जिनको बैठना है आप बैठ जाए, मैं खड़ा हूं आपके लिए, आप जहां भेजोगे मैं जाऊंगा। हाँ जहां बैठना बैठ जाओ, नाचना नाचो गाना तो गाओ। बोलो राम साहब पीर बाबा की, फिलिप ऑर्गन लेके आ जाए, ऑर्गन फेल हो गया। भाई साहब रवाना हो गए, नहीं प्लीज ये नहीं, आप दिस इज इंडियन, एक सुन ले जल्दी, मुझे भी है आज मेरा कार्यक्रम पाली है, मुझे भी जल्दी है, लेकिन मैं आपको छोड़ के क्यों नहीं जा रहा हूं कि मैं जितना खड़ा रहूंगा उतना मेरे गौ माता के दान आएगा। हाँ गेट के बाहर नहीं जाओगे, चाय पानी पी के वापिस आ जाना। हाँ दिलीप जल्दी आए, आ रही हो गए, बोलो राम साहब पीर की, दर्शन पावा रूणीता पेतल चाला बाबेरा दर्शन पावा, दड़िया दर्शन पावा, मारो बाबो दुकड़ा मेट सीरे, बाबो दुकड़ा मेट सीरे, अरे लीलो लीलो दर्शन पावा, दर्शन पावा, और बाबो दुकड़ा में खुशी, बाबो दुकड़ा में खुशी, बाबो अजमल जी ने पर चो बताय दियो रे, बाबो अजमल जी ने पर चो बताय दियो रे, बाबो अजमल जी ने पर चो दिखाय दियो।
मारो बाबो दुकड़ा में तसीरे लली 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 लो गोड़ लियो मंदड़ो मोल लियो रे नीचा पेतल ताला बाबी रा दर्शन पावा मारो बाबो दुकड़ा में तसीरे से बोलो सगड़ा बोलो मिलकर बोलो प्रेम से बोलो अगड़ा बोलो चूरू में बोलो सरदार शेर में राजल सर में मारवाड़ में गोडवाड़ में मेवाड़ में बाबो कीड़ो अपारो अपा कीड़ा एक दो तीन चार बाबा धारी दे दे चार ओली लो ली लो गोड़ लियो मनड़ो मोय लियो रे ओली लो ली लो गोड़ लियो मनड़ो मोय लियो रे ये बाबो मेरा देने पर चो दिखाय दियो रे बाबो मेरा देने पर चो दिखाय दियो रे ऊपर तो दूध डबायो मेरा देर झूलन आयो ¡Gracias!